नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं पढ़ाई के और तैयारी की एक नई विधा से आप लोगों को परिचित कराने का प्रयास करूंगा। और वो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, अवधारणात्मक समसामयिकी। करंट अफेयर्स ही हम लोगों ने पढ़ा है और समसामयिकी ही पढ़ते हैं, लेकिन ये अवधारणात्मक समसामयिकी क्या होती है? बेसिकली वर्तमान समय में जो यूपीएससी और यूपीपीएससी के ट्रेंड चेंज हुए हैं, ना केवल मेंस में, जबकि मेंस में उत्तर बड़े लिखने होते हैं, और उसी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में भी जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वह इंटरकनेक्टेड होते हैं, वह कारण और प्रभाव से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए कई बार कूट या मिलान वाले जो है उत्तर को सही करने में हमें गलती करना पड़ता है और हमारा उत्तर जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो अवधारणात्मक समसामयिकी है वो आपके इस प्रकार से पूछे जाने वाले सवालों को हल करने में आपका मदद करेगा। अभी हम कुछ जो है टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि समसामयिक घटनाओं से संबंधित है, वो किस प्रकार से अवधारणाओं से जुड़े हुए हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ दिनों से जो है मैगजीन्स और जो भी कोचिंग संस्थान रहे हैं वो बेसिकली वन लाइनर स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं जो कि आपके नॉलेज को संकीर्ण करते हैं और परीक्षा में आपका मदद करने में जो है आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये आज के टॉपिक में देखने का प्रयास करेंगे कि आपकी पढ़ाई जो है वो एक व्यापक संदर्भ में होना चाहिए और उसके सभी पहलुओं को लेकर के होना चाहिए और कॉन्सेप्चुअल जो है करंट अफेयर्स के माध्यम से होनी चाहिए। तो मेंस के अगर पेपर में देखा जाए तो एक पेपर उसमें इस तरीके से होता है जहां पर जीएस में करंट अफेयर्स के ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और वो ज़्यादातर सवाल जो है वो अवधारणात्मक समसामयिकी से ही जुड़े हुए होते हैं, जिसमें आपके एक स्वस्थ वैचारिक दृष्टिकोण के विकास करने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली कुछ जो है टॉपिक है जिसको मैं आज के इस लेक्चर में जो है शामिल कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने करंट अफेयर्स में ये न्यूज़ सुना ही होगा, अखबारों में भी देखा होगा कि पश्चिमी बंगाल में मुख्य सचिव को लेकर के जो इस समय घमासान मचा हुआ है। बेसिकली मुख्य सचिव के लिए इस तरीके का निर्देश आया हुआ था कि वो जो है DOPT को अपना जो है सूची और अपनी जो है स्थिति से अवगत कराएं, लेकिन उनके द्वारा इस तरीके से अवगत नहीं कराया गया। एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का एक विभाग है। केंद्र सरकार में विभिन्न प्रकार के विषयों पर जो मंत्रालय बने हुए हैं उसके अंतर्गत जो भी विभाग होते हैं जो अलग अलग उप विषयों का जो है संचालन और जो उसमें समन्वय का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर जो है उसी तरीके से कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत जो है DOPT एक जो विभाग है जो IAS से अधिकारियों या उसे कैडर से संबंधित लोगों के जो है सेंट्रल लेवल पर जो हायर कंट्रोलिंग कार्डर अथॉरिटी होती है, और इसी तरीके से IPS का जो है गृह मंत्रालय होता है। तो ये इससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं जो आप लोगों को प्राप्त होती हैं, तो ये आप IAS के जो है प्रतिनियुक्ति या नियुक्ति या कार्डर कंट्रोलिंग से संबंधित विवाद था, तो इसे आप लोगों ने जान लिया। एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें जो है नियुक्ति मामलों की समिति आती है, नियुक्ति मामलों की समिति, नियुक्ति मामलों की समिति, नियुक्ति मामलों की समिति आती है। ये जो है कैबिनेट से संबंधित जो समिति है, और इस बात को जानना आवश्यक है कि सेंटर में जो है कैबिनेट में चार महत्वपूर्ण विषयों की जो समितियां होती हैं, एक मामलों की तो समिति यही है, तीन अन्य मामलों पर भी समितियां होती हैं, राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति, आर्थिक मामलों से संबंधित समिति और संसदीय मामलों से संबंधित समितियां होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कैबिनेट जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है और जानकार मंत्रियों से मिल करके छोटे छोटे समूह बनाता है जो समिति के रूप में होते हैं, और उनसे संबंधित विषयों पे जल्दी और तात्कालिक निर्णय लेने में जो है समर्थ होते हैं और उन्हें जो है लेने में आसानी होती है ऐसे संबंधित विषयों में निर्णय। तो इसलिए जो है यहाँ पे समितियाँ भी जो बना दी गई हैं। प्रथम जो तीन जो समितियाँ हैं, इन तीनों जो समितियों का जो मार्गदर्शन है, जो निर्देशन है, वो प्रधानमंत्री के जो है माध्यम से होता है, जबकि संसदीय मामलों की जो समिति है वो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, उनके माध्यम से जो ये निर्देशित और नियंत्रित होती है। तो दूसरी जानकारी इसके संदर्भ में हम लोगों ने किया नियुक्ति मामलों की जो है समिति से संबंधित, और तीसरा जो है वो स्वयं जो है चीफ जो है सेक्रेटरी से जो है हो जाता है।
इसका जो है वो चीफ सेक्रेटरी से होता है। अब जो है चीफ सेक्रेटरी जो है इनकी नियुक्ति जब ये संघ लोक सेवा के द्वारा चयनित होने के बाद जो कैडर पंडित होने के बाद किसी राज्य में पहुंचते हैं तो डेफिनेटली वहां पे उस राज्य में जो है उनका उस राज्य में उनका जो है वो प्रशिक्षण का उस राज्य में जो है पूरा करने के बाद वो पुनः जो है अलग अलग पदों पर जो है नियुक्ति पाते हैं तो वहां पे उनकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी इमीडिएट हो जाती है वो जो है स्टेट हो जाती है। वहां पे कैबिनेट के द्वारा उनकी नियुक्ति के संदर्भ में जो है उनके स्थानांतरण के संदर्भ में निर्णय होता है और जो उनका आदेश होता है वो राज्यपाल के स्तर से जारी किया हुआ जाता है। ये माना जाता है कि वो राज्यपाल के स्तर से जारी हुआ है उस पर कैबिनेट जो है निर्णय लेती है। तो ये जो है उनकी नियुक्ति के संदर्भ में उनके कैडर में बातें हो जाती है। कैडर में उनका कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं होता है जो कि एक जो विशेषता है, इससे सवाल भी पूछे जा चुके हैं और ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि कौन कितना जो है उस राज्य में जो है शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कल्याणकारी कार्यक्रमों को जो है समन्वित करने और उसका जो है क्रियान्वयन करने में जो सफल होता है और उसके कार्यकाल पर निर्भर करता है, उसका कार्यकाल कितना है और उसके प्रतिनिधि पर निर्भर करता है, कई फैक्टर उसमें जो है काम करते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं उनके कार्यकाल के जो संदर्भ में। तो ये बातें जो है आज के संदर्भ में जो पश्चिमी बंगाल में मुख्य सचिव के पद के संदर्भ में DOPT और सेंटर को लेकर के विवाद है वो तो एक तथ्य है, वो तो एक फैक्ट है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि उनसे और उनके पद से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रावधान भी जुड़े हुए हैं और अगर आपको इससे संबंधित मुख्य परीक्षा में भी इतनी अगर जानकारी आप रखते हैं तो उत्तर को लिखने में आसानी होगी। और चूंकि आपको जानकारी है या होगी ही विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से कि UPSC और UPPSC दोनों में ही न केवल मेंस में बल्कि प्रारंभिक परीक्षा में भी अब जो है अवधारणात्मक कूट वाले सेंटेंस और मिलान वाले सेंटेंस आते हैं जहां पे आपको इस स्तर की जानकारी की अपेक्षा होती है और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपसे ये अपेक्षा रखता है कि ऐसी जानकारी रखिए और ऐसा रख के ही आप उन सवालों को हल कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये एक महत्वपूर्ण जो है विवाद था और इसके बारे में जो है ये इंटरकनेक्टेड जो है अप्रोच है। दूसरा एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, खैर इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, पहले से भी ये चर्चा में रहा हुआ है कि ये संसद भवन के निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट है जो हजारों करोड़ रुपए के व्यय करने के से संबंधित है, बजट से संबंधित है। हालांकि इस पर विभिन्न प्रकार के पक्षकारों की तरफ से COVID-19 से उत्पन्न होने वाले संकट की स्थिति में इतने बड़े बजट को बिल्डिंग निर्माण पर खर्च करने को लेकर के सवाल या निशान भी लगाए जा रहे थे और इसी बीच एक पक्षकार के द्वारा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लाया गया था और हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया उस पर विचार करने और सुनने के लिए जो है अनुमति भी प्रदान कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और चौंकाने वाला जो ये इफेक्ट आता है इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये आता है कि इस पर जो है याचिकाकर्ता के ऊपर कोर्ट ने जुर्माना भी लगा दिया। अभी जुर्माना उसने जनहित के लिए जो है मामले को लाया था तो उसके ऊपर क्यों जुर्माना लगा दिया गया, यह सोचने वाली बात है। तो इसके पृष्ठभूमि में ये बातें निकल करके सामने आती हैं कि जनहित याचिका में जैसा कि नाम ही जनहित है तो उस याचिका में जनहित की बात होनी चाहिए और उनकी मंशा स्पष्ट और साफ होनी चाहिए, उसका इरादा अच्छा होना चाहिए। यदि जो है जनहित याचिका काम को फंसाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए लाई जाती है और उसकी जनहित याचिका में जनहित की बात पूर्णतः निराधार पाई जाती हैं तो उस जनहित याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा और जुर्माना देने का जो है और लगाने का ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में भी इस तरीके से काम को फंसाने वाले, केवल काम को फंसाने वाले ही प्रोजेक्ट पर जनहित याचिका के आधार पर रोक लगाने के लिए कोई बात ना आए। तो ये उससे संबंधित जो है एक पृष्ठभूमि एक बात है जनहित याचिका के संदर्भ में। अब इसके थोड़े से इतिहास को भी आप देख सकते हैं कि जो 80 के दशक में जो है ये लाया गया था PM भगवती के अंतर्गत जो है माध्यम से और जो है समाज के ऐसे वर्गों को भी जो न्याय दिलाने के लिए भी जो इसमें प्रयास था कि जो पक्षकार न्यायालय नहीं पहुंच सकते उनके तरफ से कोई व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय उस पर सुनवाई करता है और संबंधित पक्षकारों को एक निर्देश देता है कि जो है इस पर सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। तो ये भी एक दूसरा जो है महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स था जो कि इंटरकनेक्टेड आगे पीछे के सेंटेंस से जुड़ा हुआ है और जिस पर एक स्वस्थ विचार और जो है स्वस्थ जो है जानकारी की अपेक्षा है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी हाल फिलहाल में जो है ये
चर्चा में आया हुआ है कि चाइना ने जो है अपनी चाइल्ड पॉलिसी में यानी फैमिली प्लानिंग में जो परिवर्तन किया है। अभी फैमिली प्लानिंग में लेकर फैमिली प्लानिंग को लेकर के उसके पॉलिसी में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं, परिवर्तन क्यों होता रहा है, उसके क्या प्रभाव हैं, इन सभी बातों को समझना आवश्यक है। तो 1979 की अगर हम बात करें तो उसने जो है वन चाइल्ड पॉलिसी को जो है ले आया। वन चाइल्ड पॉलिसी, आपको ये जानकारी पूरी दुनिया में अभी भी जो चाइना नंबर एक पर बना हुआ जनसंख्या के मामले में, हालांकि इंडिया दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही थी तो सरकार को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारे जो भी बजट है, हमारी जो इनकम, उसका काफ़ी कुछ भाग इस पर भी खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए जनसंख्या जो है प्राकृतिक संसाधनों के अनुपात और संतुलन को बनाए रखने के लिए जो नियंत्रित करना आवश्यक है। तो इसने 1979 में जो वन चाइल्ड पॉलिसी लाया और 2016 में जो इसने चेंज किया और टू चाइल्ड पॉलिसी इसने अडॉप्ट कर लिया। इसको लगा कि शायद चूंकि किसी भी दंपति के पास अगर एक ही बच्चे होते हैं तो आने वाले समय में ना केवल जनसंख्या नियंत्रित होगी बल्कि जनसंख्या कम होगी। तो उसे ऐसा लगा कि हमारी जो 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हैं उनकी जनसंख्या कम हो रही है, और शायद ध्यान आपको होगा कि इन्हीं प्रकार की जनसंख्या का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वही कार्यकुशल होती है, राष्ट्र और समाज के निर्माण में उसी का रोल होता है। तो यहाँ पर उसने ऐसा किया, लेकिन फिर भी जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बदलाव नहीं ला पाई। और हाल में ही जो है अभी तत्काल मई 2021 में जो है इन्होंने निर्णय लिया कि अब इनकी यहाँ पर थ्री चाइल्ड पॉलिसी, अब यहाँ पर जो है थ्री चाइल्ड पॉलिसी को जो है अडॉप्ट कर लिया गया। इसके पीछे मंशा ये थी इनकी कि हमें जो है 15 से लेकर के 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या को बढ़ाना है और डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकीय लाभांश, यहाँ पर यह सवाल जनांकीय लाभांश क्या है कि यानी कि किसी भी देश की जनसंख्या की वो संरचना जो कि 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग की है और जितनी ही अधिक होती है उतनी ही उसके लिए लाभप्रद होती है। तो जब किसी देश की जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बीच होती है तो उसी को जनांकीय लाभांश कहा जाता है। भारत में ये स्थिति बहुत ही सकारात्मक है, बशर्ते उसको के कार्यकुशल बनाए जाने की आवश्यकता है। तो चाइना के संदर्भ में यही स्थिति थी कि यह इसकी जनसंख्या जो है लगातार कम होती जा रही थी और आंकड़े जो बताते हैं कि यहाँ पर 60 वर्ष से ज्यादा लोगों की जनसंख्या जो है वो 26 करोड़ हो गई। तो यहाँ पे जो 26 करोड़ हो गई तो ये कहीं ना कहीं जो है देश की अर्थव्यवस्था पर भार बन रही थी, तो इसलिए सरकार ने इस पॉलिसी में जो है परिवर्तन किया हुआ है। तो चाइल्ड पॉलिसी में जो परिवर्तन है वो एक फैक्ट केवल निकल करके सामने आता कि हाल फिलहाल में किस देश ने 3 बच्चे की जो पॉलिसी को परिवर्तन किया, उत्तर चाइना। यद्यपि इस तरीके से संबंधित सवाल पूर्व में पूछे जा रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में अब इस तरीके के सवाल पूछे जाने की संभावना ना तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कम हुई है। तो हमें ऐसे सवालों पर एक स्वस्थ विचार को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि ना केवल मेंस बल्कि प्रारंभिक और इंटरव्यू के समय अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो हम उसे हल करने में सफल हों। और निश्चित तौर पर मैं मान करके चलता हूं कि अगर इतनी जानकारी आपके पास है तो आप अगर मुख्य परीक्षा में से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि वर्तमान समय में जो चाइना के द्वारा एडॉप्ट किए गए थ्री चाइल्ड पॉलिसी के क्या निहितार्थ हैं तो आप इसके आधार पर लिख पाएंगे। निहितार्थ उसका यही है कि जनसंख्या उसकी जो कार्यशील है वो कम हो रही है, भारत जनसंख्या उसके पास बढ़ रही है, जनसंख्या में योगदान देने के लिए इस जनसंख्या को बढ़ाने के लिए अडॉप्ट किया। अगर 2 लाइन में कहा जाए बाकी इस कहानी को जो है कंसाइज करते हुए आप बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने जो एक अध्ययन के नए जो है तरीके मेथड को इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि अवधारणात्मक समसामयिकी या जिसे आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स, उसके बारे में जो है आपको समझ विकसित हुई होगी और आप अपनी पढ़ाई इस पैटर्न में करने का प्रयास करेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज कि आप महीने में कम से कम 5 से 6 टॉपिक इस तरीके से जरूर याद कीजिए, और जब अगले महीने का जो करंट अफेयर्स आप तैयार कर चुके हों तो आप पिछले महीने का एक बार जरूर रिविजन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप एग्जाम के टाइम पर भार नहीं महसूस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आप सभी लोगों के लिए जो है टीम की तरफ से, क्रिएटिव टीम की तरफ से जो एक जो है निर्देश है, एक जो है बात है कि अगर आप सभी लोगों में से जो भी लोग चैनल पर नए हों डेफिनेटली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिएटिव टीम की जो है खुशी और संतुष्टि इस बात में होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चैनल पर जुड़ें। तो नमस्कार,
आगे पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आप अपने ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाइए।